केपीडी न्यूज, हक सच और इंसाफ की आवाज। केपीडी न्यूज, हक सच और इंसाफ की आवाज। जलंधर विच एक ट्रैवल एजेंट के दफ्तर विच कपूरथला के नौजवान की शक्की हालत विच मौत हो गई। नौजवान की लाश नूं सिविल हस्पताल ले जाया गया, जिथे मौत के कारणों की जांच की जा रही है। जिक्रयोग है कि जलंधर के स्काईलार्क चौंक नज़दीक स्थित एयरविंग सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड नाँ के ट्रैवल एजेंट के दफ्तर विच कपूरथला का नौजवान, जिसकी पछाण सुखविंदर सिंह वजो हुई है, आया सी, पर दफ्तर विच उसकी मौत हो गई। दूजे पासे पुलिस वालों मामले की जाँच की जा रही है। पुलिस अनुसार परिवार वालियां दी स्टेटमेंट तो बाद ट्रैवल एजेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी सर, की नाम है अपना? मेरा नाम जी नरेश कुमार। सर कितने तुहाडा ऑफिस है? मेरा पार्टी ऑफिस अपना ज्योति चौक के कोल। की अपनी जॉब है इतने? जी मैं थले पब्लिक रिलेटेड पूरे मिलना। सर की गल हुई सी कल, जिहड़ा मुंडा अज डैथ हुई जी, वह आया सीगा इतने, की गल हुई सी, दसिओ उहदे बारे। वीर जी कल एक कैंडीडेट आया सीगा और जिदा ही बैठे अपन, भाई जी चाह पी लो, ठीक है, चाह पानी पी लो। उन्होंने चाह पानी पीता, चाह पानी पीने तो बाद बैठ गए। आप बैठे थे अपना अपना काम करते पे, इन्नी देर में जिदा लगा इन्हों की उल्टी हुई या बाथरूम जाना है, सामने बाथरूम, पिछले सामने बाथरूम चला गया। फटाफट अंदर जाके जिदा लगा कि खांसी करता पे और खंघता पे, सानू लगा शायद उल्टियां ना करता। एक मिनट देखा, दो मिनट देखा, पाँच मिनट देखा, खंघ ही आए, ठीक है, अभी दरवाजा करकाया, बाद चो खंघना बंद हो गया। भाजी कौन है, कौन है, कौन है, की गल की है, मैं पूछया। इस तो बाद मैं अपने स्टाफ में बोला कि भाजी इदा गल हुई है, मैं क्या लगता मुंडा अजकल मौसम खराब होने करके शायद डिप्रैशन च चल गए, जो लगता मैं बी पी डाउन ना हो गया, बंदा लगता मैं बोलता नहीं पाया, इन्नी दिन बंदे उपर आए, दरवाजा तोड़ दिता, मुंडे चुकया। मुंडा वो उस टाइम पूछा की होया, पुत की होया, पानी पिलाया, कहते ठीक नहीं, कहते हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल लै गए, बस इन्नी गल हुई। तुम्हें पता लगा वो तबीयत में की होया, हॉस्पिटल लै गए? उन्होंने की दसा? मैं हॉस्पिटल नहीं गया, इतों हॉस्पिटल लै गया। कौन लै गया हॉस्पिटल? इतों साढ़े जो बच्चे से ऑफिस वाले, जो लैके चले गए। तो डॉक्टर को पुछ के नहीं आए कि मैं नहीं पूछा, क्योंकि मैंने होर कोई काम से, मैं उस काम चला गया, बच्चे उत्तर चले। उन्होंने माँ प्यो का कहना कि भाटिया साहब को अपना 90,000 रुपया लेना सी, सा बेटा आया तो राती पैसे, भाटिया साहब ने कहा कि राती आइयो पैसे ले जाओ। नहीं, जो पैसे उन्होंने भाटिया साहब को बाहर जाने दिते सी? नहीं जी, मेरे ऑफिस रात में डीलिंग नहीं होती, मेरे ऑफिस सिर्फ अपने 6 बजे तक ही, लास्ट 6 बजे छुट्टी चले जाते। फैमिली का कहना वा कई बार भाटिया साहब ने गल हुई इस मुद्दे पर कि पैसे लेने हैं दे दो, वो पैसे नहीं मोड़ते पे सके। फिर रात साडे मुंडे ने कॉल की, भाटिया साहब ने उन्होंने कहा कि आ जा पैसे ले जा, उस तो बाद अपने कल करीब सानू सिविल हॉस्पिटल एक रुक आया जी, कि किसी एक बंदे ने जी नाम हैगा सुखविंदर सिंह, सानू बलदेव सिंह पिंड जिहड़ा हैगा वो तेज नगर जिहड़ा पैंदा कपूरथला दा हैगा रहन वाला, ते उन्हें कोई जहरीली दवा खा के ते उहदी मौत हो गई है। पहुँच के ते उहदी जिहड़ी डैड बॉडी असी मोर्ची दे विच डिपोजिट करवाई है, तो उन्होंने वारस शाम को आए थे, कहते सवेरे आप जी स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली लिखावे जी। हूँ वो आए हुए है, उन्होंने कोई गल करके कि की बयान लिखाने हैं, जिमें वो बयान लिखाएंगे उमें जी कार्रवाई अमल लिया जाऊगी। सर की कारण रहा भी तुसी जिस तरह दस रहे हो भी लड़के ने कोई जहरीली वस्तु खाधी है, खाधी है या खाई है, कोई ट्रैवल एजेंट से? ये इन्वेस्टिगेशन पार्ट हैगा जी हले, तो जिहड़ा आरोप लाया जा रहा वो हैगा कि भाटिया ट्रैवल एजेंट जिहड़ा हैगा आ उन्होंने लाया जा रहा, बट ये एक इन्वेस्टिगेशन पार्ट है कि ये खाधी है या खाई है या की खाधा आ, ये पोस्टमार्टम तो बाद ही पता लग सकता। नाम सुखविंदर सिंह है जी। कार्रवाई की जा रही है जी ट्रैवल एजेंट पर? ट्रैवल एजेंट से जिमें भी ये सानू स्टेटमेंट लिखाएंगे जी, उमें एज पर लॉ असी एक्शन लावांगे जी। Thank you.
देश विदेश और अपने शहर की लोकल खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। आपका मनपसंद न्यूज़ चैनल KPD न्यूज़, हक सच और इंसाफ की आवाज़ आपको रखे सबसे आगे।